ट्रायंगल थ्योरी ऑफ मिस्टेक एरर एंड ब्लंडर। ओके, ये एक और कॉन्सेप्ट जो ट्रायंगल थ्योरी के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मेरा बहुत छोटा सा मकसद है लेकिन बड़ा क्लियर है कि ये जो स्टेप ऑफ थ्री है यानी डिग्री, किसी भी चीज़ की तीव्रता अगर बढ़े और वो आपकी प्रकृति को, आपकी प्रवृत्ति को अगर विकृत करता है तो ये आप रोक सकते हैं। इसीलिए ये ट्रायंगल थ्योरी लेके आ रहा हूँ, मैं अपनी समझ से लेके आ रहा हूँ जो मैंने अब तक बिहेवियरल साइंस में देखा है, लोगों से जब मैं मिलता जुलता हूँ और उनसे जब ये जानकारी प्राप्त करता हूँ, ये मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप सब सचेत हो जाए और प्रिवेंटिव मेजर्स लें। कोर्स करेक्शन ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप रिजल्ट पर जाएं और ये देखें कि आप अभी पछता रहे हैं। तो रिग्रेशन सबसे बड़ा लॉस होता है दोस्तों, वो ना हो आपके साथ, इसीलिए ट्रायंगल थियरी आपके लिए लेके आया हूँ। और आज का विषय है ट्रायंगल थियरी ऑफ मिस्टेक एरर एंड ब्लंडर। मिस्टेक टू अर इज ह्यूमन, ऐसा अक्सर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तक हम इंसान का रूप जी रहे हैं तब तक हमारे हाथ से गलती होती रहेगी, और गलती होना एक एक छोटी सी मामूली सी बात है। एक ही प्रकार की गलती अगर दोबारा नहीं करते तो हम वाइस कहलाते हैं। इंटेलिजेंट वो होते हैं जो दूसरों की गलती से भी सीखें, लेकिन यदि आप कॉन्शियस बीइंग है तो मेरे ख्याल से आप ये आराम से कर सकते हैं। बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस रहिए और देखिए कि आपके हाथ से गलती हो रही है, उसे आप दोबारा सेम वो गलती ना करें। तो मिस्टेक्स होती रहती हैं और होना चाहिए, और मेरे हिसाब से मिस्टेक्स एंड फेलियर्स ये बहुत बहुत कॉमन नेचर के होते हैं। हमने अंग्रेजी में एक और कहावत सुनी है कि फेलियर और मिस्टेक्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ऐसा कोई शख्स ही नहीं है इस दुनिया में जिसने गलती नहीं देखी हो और वो गलती से नहीं बना हो, इसीलिए मिस्टेक्स करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब हम कॉन्शियस रहते हैं और मान लीजिए एरर एरर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, हमने सेम गलती दोबारा कर ली तो गलत है ना। गलती ये भी है कि हमने जानकारी नहीं ली कि वो एरर जो हो रहा है, वो जो डिग्री ऑफ मिस्टेक आगे बढ़ रही है, वो क्यों हो रहा है। क्या वो हमारी कम जानकारी की वजह से हो रहा है, क्या हम उस प्रोसेस को नहीं जान पाए, क्या हम रिसोर्स नहीं बटोर पाए, क्या हम जिनके साथ ये काम करना है उनको नहीं परख पाए। तो हमें सब प्रोसेस के तहत, रिजल्ट के तहत जो भी आता है अगर वो हम समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ रह जाती है, टू पुट इनफ एफर्ट्स। इनफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। 100% अगर आपने डाला है अपना मन तन और धन तो शायद रिजल्ट सक्सेस ही आएगा। उसमें अगर 99.9 भी हुआ तो कभी नहीं सक्सेस आएगा। तो मैं सक्सेस के नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ, मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि मेरा मिस्टेक एरर पे तब्दील तभी होगा जब मैं जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँगा कि मेरे साथ एक्चुअली ये विफलता किस किन कारणों से आई है। वो कारण अगर मैंने जान लिए तो शायद वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा और वो एरर से बच जाऊंगा। एरर कॉरपोरेट सीन में, फॉर्मल एनवायरनमेंट में यदि इसे बार बार देखा जाए कि मैं एरर कर रहा हूँ तो ये ब्लंडर कहलाएगा। ब्लंडर और कुछ नहीं है, हमारी बेवकूफ़ी है या हमारी लापरवाही है, हमारा कैजुअलनेस है। एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में यदि आप एरर पे एरर करते जाए और जानबूझकर करते जाए तो ये गलत है। अगर आपको ट्रायंगल थ्योरी ऑफ मिस्टेक्स एरर और ब्लंडर समझ में आ रही है तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि गलती होती रहेगी, होने दीजिए, नई गलतियां कीजिए, लेकिन जो गलती हो रही है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप वो गलती दोबारा नहीं दोहराए। और यदि आप गलतियों से सीख रहे हैं तो आप कभी भी एरर की तरफ नहीं जाएंगे, और एरर की तरफ नहीं गए तो बहुत हद तक आप ब्लंडर कभी नहीं करेंगे। लेकिन ब्लंडर अक्सर हमारे लापरवाही का नतीजा होता है, हमारी बेवकूफ़ी का नतीजा होता है, हमारी कैजुअलनेस का नतीजा होता है, जो हम आसानी से, बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी थ्योरी, ट्रायंगल थ्योरी ऑफ मिस्टेक एरर एंड ब्लंडर, यदि आपको पसंद आई होगी तो लोगों को बचाइए, उन्हें ब्लंडर करने से बचाइए, एरर तक सीमित रखिए। और यदि आपको ये पसंद आया होगा तो तमाम उन लोगों तक जो अब तक कॉन्शियस नहीं रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा और उन्हें एरर से या ब्लंडर से रोकिएगा। धन्यवाद।